आज 3 अगस्त को बहमनी सल्तनत के क़याम का दिन है, बहमनी सल्तनत का फाउंडेशन डे है। और यहाँ पर जो बहमनी सल्तनत क़ायम हुई है वो तारीख़ का एक सुनहरी दौर है, लेकिन अफसोस के हमने इस सुनहरी दौर को फरामोश कर दिया है। आज होना ये चाहिए था कि पूरे जो बहमनी सल्तनत का जो मौजूदा इलाका इस वक्त है, जिसको आज कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, इसमें तमाम तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स और लेक्चर्स होने चाहिए। नौजवान नस्ल को बहमनी सल्तनत की सुनहरी तारीख से वाकिफ किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमने अब अपने सलातीन को, अपनी तारीख को फरामोश कर दिया है। मैं अयाजुद्दीन पटेल और उनके रुफा को मुबारकबाद देता हूँ कि वो पिछले 20-25 सालों से 3 अगस्त को बहमनी सल्तनत के फाउंडेशन डे का एहतमाम करते आ रहे हैं, और आज भी इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा है। एक बार फिर मैं तमाम गुलबर्गा के ही नहीं, गुलबर्गा बीदर जो दो अहम अजला बहमनी सल्तनत में हुए, और 180 साल यहाँ पर बहमनी सल्तनत कायम रही। और जैसा कि अभी सीनियर साहब या हामिद अकमल साहब ने कहा कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह को मधु करने वाला खुद फेरोज शाह बहमनी था। और अगर हम बहमनी सल्तनत का जायज़ा लें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीन अहम काम जो यादगार कारनामे बहमनी सल्तनत के हैं, वो तो एक है तामीरात का, और दूसरा जो सबसे अहम काम उनका जो है, उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया। गुलबर्गा ही नहीं, बीदर में भी, बीदर का जो मदरसा महमूद गावान है वो उस वक्त की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ भी कई मदारिस उनके कायम थे। तो बहमनी दौर में, बहमनी सल्तनत के दौर में तालीम को बहुत ज़्यादा फ़र्क दिया गया। आज भी जो मदारिस हैं गुलबर्गा में, उसके खंडर पाए जाते हैं। तीसरा जो सबसे अहम कारनामा, उन्होंने कौमी एकजहती को फ़र्क दिया, और बहमनी सल्तनत की खुशहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोने के सिक्के राइज थे, और बहुत सारे असलाहत उन्होंने किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दौर में घरों तक जो आबरसानी का निज़ाम है, वो बहमनी दौर का ही शुरू किया हुआ है। अगर हम जायज़ा लेंगे तो बहुत सारे कारनामे बहमनी सल्तनत के हैं। नौजवान नस्ल को इस तारीख से वाकिफ करवाने के लिए हमें सेमिनार्स और जलसे मुनक्किद करने की ज़रूरत है, और इस तरफ हमारे तमाम अवामी नुमाइंदों को भी तवज्जो देनी चाहिए, और तालीमी इदारों के चलाने वालों को भी तवज्जो देनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम यहाँ बहमनी फाउंडेशन की जानिब से काजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी और अयाज पटेल और दीगर शहर के मशहूर मारूफ शख्सियात के साथ अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी की मज़ार पर फातिहा और फूल वगैरह पेश करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि बहमनी सल्तनत का एक सुनहरी दौर गुज़रा है, जिसमें कई कारहाए नुमाया मारिज़ वजूद में आए, जो अभी तक उसका सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर तारीख़ी इमारत और तालीमी काम जो है बहमनी सल्तनत में बहुत ज़्यादा हुआ। आज भी महमूद गवान लाइब्रेरी जारी वसारी है,
और दीगर तालीमी काम भी बहमनी दौर में बहुत ज़्यादा हुए। और अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी का खसूसी ताल्लुक़ जो है हमारे जद अमजद हज़रत कुतुबुल आफ़ताब शेख उशूक शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह से है कि आप ही की दुआओं से इन्हें बादशाहत सल्तनत अता की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ही बहमनी के तकरीबन 18 बादशाहों को हज़रत के हाथ पे तकरीबन 3-4 बादशाहों को जो है ताजपोशी वहाँ पर हुई। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को खुसूसन अयाज़ पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से वो तारीख़ की अहिया की और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया। जैसा कि अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि ज़रूर आपकी याद में सेमिनार्स जलसे मुनक़िद होना चाहिए ताकि फिर से ये तारीख़ अहिया हो। मैं आखिरी में फिर और एक बार तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को तारीख़ को ज़िंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं 3 अगस्त, ये 3 अगस्त 1347 को बहमनी की बुनियादें रखी गई थी, बहमनी सल्तनत जो है ना कायम हुई थी। ये इसका जो है ना तुगलक के बाद रिवोल्ट होने के बाद ये सल्तनत वजूद में आई और ये दक्कन में कायम हुई और उसका कैपिटल जो है ना शहर गुलबर्गा, उस ज़माने में इसको एहसानाबाद कहते थे। तो ये दौलताबाद में आपकी ताजपोशी हुई शेख सिराजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से। उन्होंने जो इनको बादशाहत के जो है ना दस्तारबंदी की, खिलजी मॉस्क जो वहाँ पर मशहूर है तुगलक की, वहाँ पर दौलताबाद के बाद आपने इसको गुलबर्गा को पायतख्त बनाया। यहाँ पर उनका मज़ार देख रहे हैं आप, साथ में हम आए आज ही हम यहाँ जो है ना ज़ियारत करके इसका फाउंडेशन डे मनाए हैं। और इस ये सल्तनत की जो है ना 18 जो किंग्स रूल करे हैं, इनका सुनहरी दौर था यहाँ पर दक्कन में। फर्स्ट इस्लामिक सल्तनत का क़ायम जो है ना बुनियादें रखी थी और ये लोग जो है ना 20 ग्राम के गोल्ड के सिक्कों से लेकर 11 ग्राम के गोल्ड के सिक्कों से लेकर चांदी के जो है ना टंका और जो ना अशरफी और जो है ना सोने की मोहरें, ये सब जो है ना इनके पास राइज थी। इतनी ये पावरफुल सल्तनत थी कि उस दौर में फॉरेन कंट्री से लोगों को बुलाकर तालीम के लिए जो है ना अपॉइंट किया जाता था और लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए लोग बाहर से आया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा गुलबर्गा से, गुलबर्गा के बाद फिर जो है ना ये बहमनी इधर को भी चले गए, वहाँ से भी एक्सपेंशन से जो है ना रूल हुआ। ये जितनी भी ये हैदराबाद की कुतुबशाही, आदिलशाही, बीजापुर की सब है, ये सब जो है ना बहमनी के ब्रेकडाउन होने के बाद कायम हुई है। तो बुनियादी जो बेसिक आर्किटेक्ट, बेसिक कल्चर, बेसिक जो दक्कन का जो मिलता है आपको गुलबर्गा और बहमनी की वजह से मिलता है, यही फाउंडेशन है और यही बुनियादें हैं यहाँ का आर्किटेक्ट वगैरह सब, ये बेसिक आर्किटेक्ट यहीं पर मिलता है। मालवा यहाँ से लेकर उड़ीसा राजमुंड्री, यहाँ से लेकर गोवा, यहाँ से लेकर तुम्हारा विजयनगर तक, टोटल आधा इंडिया यहाँ, मीन्स यहाँ से गुजरात तक इनकी बाउंड्री थी, यहाँ से गोवा तक, यहाँ से विजयनगर तक, यहाँ से उड़ीसा तक, इतनी बड़ी बाउंड्री थी। तकरीबन ये 201 साल का रोल रहा इनका। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी सल्तनत के बानी थे। 1347 अगस्त को इनका सल्तनत पायतख्त अमल में आया दौलताबाद में, जैसा कि सिराज बाबा ने अभी कहा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की ताजपोशी शेख सिराजुद्दीन शाह जुनैदी के हाथों हुई। उसके बाद यहाँ पर और ख़ास तौर पे ये लोगों को और हिस्टोरियन को, ये यहाँ पर कई पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को पता नहीं है, गुलबर्गा एक शहर जो है ना, ये किसी शहर को तब्दील करके गुलबर्गा शहर बनाया नहीं, ख़ास तौर पे खालिस ज़मीन लेके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यहाँ पर किसी और की हुकूमत थी, हुकूमत नहीं थी। अगर हुकूमत थी तो चाणूक्य, बसव कल्याण, राष्ट्रकूट मलखेड़ और कलचुरीस, विजयनगर, ये दूर दूर तक थी। ये खाली ज़मीन वो चूज़ कर ख़ास तौर पर गुलबर्गा की ये सरजमीन बहमनी ने खुद क्रिएट किया, खुद क्रिएट करके आज इतनी बड़ी सल्तनत कायम की है। उसके बाद 5 सल्तनतें डिवाइड हुई, जैसा कि इमाद शाही, अहमदनगर,
निज़ाम शाही बिरार, कुतुब शाही गोलकुंडा, बरिश शाही बीदर, ऐसे पांच सल्तनतें आदिल शाही बीजापुर, पांच सल्तनतें इनमें डिवाइड होकर आधा इंडिया पे रोल करने लगे। आज तक भी मुसलसल मैं समझता हूँ ये आज तक भी रोल कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कई लीडर मिनिस्टर हैं, कई बड़े बड़े दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री रहे तक ही उनकी खदर है। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन हसन बेमन शाह को इंतकाल होकर 750 साल हुए, आज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती इनको, इतना बड़ा रुतबा है, और ये हमारे लोगों को उसकी खदर नहीं है। ये बादशाह ने वली सिफत बादशाह है। रिसेंटली एक बुक को रिसर्च करके ढूंढ के निकालने के बाद 1960 में अलाउद्दीन हसन बेमन शाह की एक किताब हमको रहमान पटेल साहब को मिली हुई है, 150 पेजेस की सिर्फ इनकी तारीख के किताब मिली हुई है। एक रिसर्च स्कॉलर दिल्ली आर्कोलॉजी से काम किए हुए हैं, मेरे ख्याल से मजीद डॉक्टर रहमान पटेल साहब को मालूम है, परसों में वो किताब मिलने के बाद वो प्रिंट किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले दौर में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को और सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को, जैसे कि सात गुम्बज है सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, फोर्ट है सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, शोर गुम्बज को और अलाउद्दीन हसन बेमन शाह को एक सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोटेक्टेड में लेना, ताकि यहाँ पर पता चले कि पूरी दुनिया को देश को कि भाई इसके फाउंडर अलाउद्दीन हसन बेमन शाह थे, इनकी तारीख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, बहमनी सल्तनत की तारीख ब्रिटिश म्यूजियम में इनकी तारीख गुलबर्गा से चालू होंगी तो एंड बीजापुर बिरार को होती, उसके बाद निज़ाम शाही आसिफ शाही मुगल ये तारीखें मिलते। हिंदुस्तान के पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत का पायतख्त है गुलबर्गा, जुनूबी हिंद अलहमदिल्ला मैं समझता हूँ इसकी यवरियर हम जो एक 20-25 साल से इनका फाउंडेशन डे मनाते जा रहे हैं बहमनी फाउंडेशन के जानिब से, ये मुसलसिल यवरियर हम कंटिन्यू आज सिराज बाबा के हाथों से इनकी ज़ियारत फातह खानी अमल में आई। इसी तरह से गुलबर्गे के नौजवान जो स्कॉलर से वगैरह सबसे हम इल्तिजा करते हैं यवरियर आप आइए अटेंड करिए और यवरियर इनके बारे में सेमिनार का मुनक्किद कर रहे हुए। हजरत अलाउद्दीन शाह, हजरत अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता पूरा नाम, तो जब गुलबर्गे का पायतख्त रखा जा रहा था जिस वक्त, तो लाजमी बात है हजरत शेख शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनेदी आपके साथ थे। है कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो खानवादों से उनका लगाव रहा है, उसी की बरकत से वही अल्लाह वालों के दस्ते मुबारक से ये शहर आबाद हुआ और ये शहर को ये एजाज़ हासिल है कि पाए तख्त होने का। जैसे बीदर है, बीजापुर है, विराड है, निज़ाम शाही है, आसिफ जाई है, अगर ये हुकूमतों को अगर आप देखेंगे तो ये हुकूमत इनकी शाखें हैं, ये हुकूमतें हैं उनकी शाखें हैं बहमनी की। बहमनी नाम को और बहमनी सल्तनत को जो एजाज़ हासिल है वो गुलबर्गा शरीफ से है, जिसको अल्लाह वालों ने ही गुलबर्गा शरीफ कहा या उनकी आमद की वजह से या उनकी निस्बत की वजह से गुलबर्गा शरीफ कहलाया है। और हमें गुलबर्गे वालों को ये नाज है कि हम गुलबर्गा के हैं और गुलबर्गा हमारा है, हमारा शहर है, और इसको आबाद करने वाले आज यहाँ आराम फरमा रहे हैं। आज हम उनकी बारगाह में या उनकी खिदमत में या जो भी हम फातिहा गुजारना चाह रहे हैं, ये एक दिन मुख्तस किया गया है 3 अगस्त का, वो इसलिए कि ये 3 अगस्त का दिन वही दिन है जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी गुलबर्गा शहर की। तो हमें चाहिए गुलबर्गा रहने वालों को कि हम इस दिन को यादगार दिन बनाएं और साथ ही साथ इनकी याद में इनके वो कारनामे नुमाया कारनामे जो हुए हैं और ये इतनी बड़ी सल्तनत चली और कैसे चली होंगी, तो ये हमें आने वाली नस्लों को बताना है कि गुलबर्गा का जो मुकाम है वो तारीख में कभी भुलाया ना जाने हमारे आने वाली नस्लों तक ये बात को जिंदा रखेंगे और इनके नाम को जो है ना ऊंचा रखेंगे, क्यों ये भी कोई अल्लाह वालों से कम नहीं है,
इनकी ही ईमानदारी और इनकी ही जो ना नेक नियती रियाया परवार होने का सबूत है कि आज हम बहिष्यत रियाया इनके दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज सलातीन बहमनी के सालाना उनके इसके मौके पर जो है ना यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ। बड़ी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे कि हमारे काजी रिजवान हैं, अयाज पटेल साहब हैं और रहमान पटेल साहब हैं और उनका कुछ दोस्त अहबाब हमें जो इन बहमनी सलातीन की प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो वो काबिल मुबारकबाद हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि आज सलातीन बहमनी की तारीख को ना कोई सुनाने वाला है ना कोई सुनने को तैयार है। ये बड़ा ही अफसोसनाक मरहला है। आज हम यहाँ आके देखने के बाद ऐसा समझ में आ रहा था कि भाई कोई खंडर है। मैं यहाँ आने के बाद सुना कि भाई और ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी। एक दो तीन साल से ये जो है ना कुछ तो कुछ जो है ना सही हुआ है। तो अफसोस इस बात पर है कि हमारे यहाँ पर गुलबर्गा में मिली शहर होने के बावजूद भी, खलब शहर में होने के बावजूद भी यहाँ के MLA या MP या जो भी गुजरे हैं समझिए, उनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे मुकामात को प्रोटेक्शन दे, यहाँ पर फंड मंजूर करे ताकि जो है ना ये सयाहती मराकज़ में तब्दील हो जाए, ताकि जो है ना यहाँ की अवाम को, आने वाली नस्ल को, ये सलातीन बहमनी का क्या रूल रहा है इस मुल्क पर हुक्मरानी करने में वो मालूम हो जाए। ऐसा कोई अगर ये सिस्टम बनाए, एक फर्म बनाकर इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये इसके अलावा भी हफ़ गुम्बद है, इस तरीके के और भी जो भी मुकाम हैं उनका प्रोडक्शन हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना तारीख जो भी है आम स्टूडेंट्स को, आम जो है ना लोगों को इसकी तारीख समझ में आएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर एक फर्म तश्कील दिया जाए और उसको स्ट्रांग करके इन मुकामात की हिफाजत करने का पूरा इंतज़ाम किया जाए और एक इसको सियाहती मरकज़ के तौर पर जो है ना तब्दील करने की कोशिश की जाए। हमारे ज़िम्मेदारों से भी अपील है, बिलखसूस MLA और MPs, यहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन मुकामात को महफूज करने का पूरा इंतज़ाम करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उलमाए दीन, मशाइख और तशरीफ लाएँ और यहाँ उन्होंने अपने तालीमात का उसको मरकज़ बनाया और उन्हीं का नतीजा है कि उन्हीं की आमद का नतीजा है कि उसके बाद हज़रत बंदानवास तक कुछ तवील सिलसिला है बुजुर्गान दीन की आमद का और वो सिलसिला जो है अभी जारी है। इस तरह से गुलबर्गा को सरजमीन कहा जा सकता है मशाइखीन की और बहुत बड़े जो है उलमाए दीन की सरजमीन कहा जाता है। Subscribe RTV Prime International YouTube channel for more art updates.